बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु या कनस्ताइन। मेरा सवाल जो है ये मैडम से है जो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही है। इन्होंने यहाँ पे कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट को इसलिए हटाया गया क्योंकि 14 पार्टीज जो है पाकिस्तान की बड़ी 14 पार्टीज उन्हें मिलकर ये एहसास हो गया था कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाने के लिए जो है उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। उस साइड पर सिर्फ इमरान खान था, इस साइड पर 14 पार्टीज थी। आप लोगों ने मिलकर कौन सा ऐसा तीर मारा है जिसकी बिना पर हम कहें कि हम आप लोगों को वोट देंगे और इमरान खान को वोट नहीं देंगे? जी भाई, और ये 16 महीने का नाम नहीं लेते, वो 16 महीने जिन्होंने लोगों की चीखें निकलवा दी। नहीं, कोई ढंग का सहाफी नहीं, कोई शायर नहीं, कोई खतीब नहीं, ये अनपढ़ों की फैमिली हम पर मुसल्लत की हुई है। मुस्लिम गून के ऊपर आ जाइए। मुस्लिम गून के अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो शरीफ खानदान के डीएनए के अंदर है। आप माने या ना माने, इस इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जो बंदा आ रहा है वो दिल से नहीं आ रहा बल्कि घूसो लातों के पैगाम के बाद। कोई भूखा नहीं मर रहा था उस वक्त, पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में चलाया। 50 साल किसी ने नाम नहीं लिया था डैमो का, ये इमरान खान था जिसने डैम शुरू करवाए। अरब दुनिया का हीरो बन गया, यहाँ उसको जीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मुसलसल हीरो बन रहा है। और यहाँ एक थानेदार अदलिया से ज्यादा ताकतवर बन गया है। किस तरह हमारे साबिक वज़ीर ख़ारिजा को धके दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाइव शो में इस मुल्क के नौजवानों ने नाम नहाद सियासतदानों को आड़े हाथों लिया और ऐसे तल्ख सवालात पूछे जिनके नाम नहाद सियासतदान कोई भी ठीक सा जवाब ना दे सके। और साथ ही मुल्क के नामवर एंकर और साफ़ी अज़रात ने इस मुल्क के हुक्मरानों के ऊपर ऐसी कड़ी तनकीद की। आए पहले एंकर और साफ़ी अज़रात की तनकीद सुनते हैं, फिर नौजवानों के सवालात सुनते हैं और सुनते हैं कि इनके सियासतदानों ने क्या जवाब दिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। नून के ऊपर आ जाइए। मुस्लिम नून के अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो शरीफ खानदान के डीएनए के अंदर है। अगर वो डीएनए आपके पास है तो आप एक सुपरमैन हैं, और अगर वो डीएनए आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं है। फिर आप या फिर शाहिद खान अब्बासी हैं या फिर आप मफ्ता इस्माइल हैं जो ग्राउंड से बाहर बैठ कर सब कुछ देखें। यह मसला है और यह सोच इनकी तब्दील नहीं होनी। आज 2024 में इलेक्शन होने लगा है, आप और मैं बैठ जाएं, 10 साल के बाद आप भी थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी होंगी, मैं भी बूढ़ा हो चुका होगा, मैं भी जवान हो चुका होगा, अब और जवान हो चुके होंगे, और हम फिर ये डिस्कस कर रहे होंगे कि शरीफ खानदान का अगला बच्चा जो है वजीर आजम के लिए खड़ा हो रहा है। 2044 में भी यही होगा, 2054 के अंदर भी यही होगा, क्योंकि इनकी पार्टी का सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है, कुछ भी हो जाए वो। दूसरी बात ये कि अगर मैं एक जुमला सिर्फ इलेक्शन के हवाले से कह दूँ, ये नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अक्सर थिएटर में फिल्म देखने जाते होंगे, ये कभी भी किसी ऐसे बंदे को नहीं लेके जाते होंगे जिसने फिल्म पहले देखी हो, क्योंकि जारी बात है उसको पता है एंडिंग क्या होनी है। पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के हवाले से भी इस्लामाबाद में और मुख्तदरा हलकों के अंदर चंद लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने फिल्म का आखिरी सीन देखा है और उनको पहले ही पता है इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या आना, अफसोस इस बात का। और हम जैसे लोग जो हैं बैठ के डिबेट करते रहेंगे, वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, एक स्क्रिप्ट के तहत सबको पहले ही पता है। अब आ जाएँ इस तकाम पाकिस्तान पार्टी में रोकड़ी साहब के हवाले से, जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी वो वजीर थे उनको क्यों निकाला, माजरत के साथ उन्होंने पूरी देर बैठ के सीनियर वजीर के तौर पे पूरा अपना ओहदा इंजॉय किया। आखिर में जाके जब इमरान खान साहब के खिलाफ हवाएं मुखालिफ चलना शुरू हुई तो उसके बाद इन्होंने वहां से जो है कन्नी कतरा ली। एक बात, अगर बाकी प्रिंसिपल स्टांस लेना था तो पहले ही इस्तीफा दे देते। आप माने या ना माने, इस तकाम में पाकिस्तान पार्टी में जो बंदा आ रहा है वो दिल से नहीं आ रहा बल्कि घूसो लातों चपेटों के बाद बताओ। मजहर वाला साहब, क्यों हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, क्यों पॉलिटिकल कल्चर नहीं आ रहा? आज भी आप देखें मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ, आज फिर एक नई पार्टी के साथ हो रहा है, पीटीआई के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी की मिसाल देख लें, उस्मान डार की वालदा के साथ देख लें, कागजात छीने जा रहे हैं, कब आएगा पोलिटिकल कल्चर? अच्छा किया शजिया आपने माजी का किस्सा छेड़ दिया। अभी ये दावा किया गया नून लीग की तरफ से कि हमने लोड शेडिंग खत्म की, खाक खत्म की। अभी जो बिजली महंगी है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की वजह से। आईपीपीज़ को किसने मुसल्लत किया? इन दोनों पार्टियों ने मुसल्लत किया। और ये 16 महीने का नाम नहीं लेते, वो 16 महीने जिन्होंने लोगों की चीखें निकलवा दी, लोग रोटी को तरस रहे थे, मर रहे थे, फाके थे लोगों के घरों में, और उन 16 महीनों का तस्करा नहीं करते। अच्छा किया आपने शुरू में जो कहा 5 साल का हमें आता करते हैं, चले 3.5 साल उनको दे दिए, 3.5 साल में 2.5 साल तो कोविड रहा, दुरुस्त फरमाया राजा साहब ने। और हम नहीं कह रहे, दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, ये पाकिस्तानी तारीफ नहीं कर रही, दुनिया कर रही थी। कोई भूखा नहीं मर रहा था उस वक्त, पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में चलाया।
ये बातें करते हैं। 50 साल किसी ने नाम नहीं लिया था डैमों का। ये इमरान खान था जिसने डैम शुरू करवाए, ये था जिसने हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया सेहत के नाम पे। देखिए उसने जो तकरीरें की यूएन में, मुसलमानों को उस पर फख्र हुआ, अरब दुनिया का हीरो बन गया। यहाँ उसको जीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मुसलसल हीरो बन रहा है। और यहाँ ये दुरुस्त फरमाया, यहाँ कानून और इंसाफ ना हो वो मुआशरे कैसे कायम रह सकते हैं। यहाँ एक थानेदार अदलिया से ज्यादा ताकतवर बन गया है। किस तरह हमारे सबक वजीर खारजा को धक्के दिए गए, ये दावे बहुत। अभी देखिए एक साहब रो रहे हैं, अपने माजी को रोज रोते हैं, मुझे क्यों निकाला। ओ भाई ये जो मंसूर अली खान ने बात की है ना शरीफ फैमिली की, आप अपने बच्चे मसलत करते हो, इस फैमिली का जायजा तो ले। इसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नामवर वकील नहीं, कोई बैंकर नहीं, कोई ढंग का सहाफी नहीं, कोई शायर नहीं, कोई खतीब नहीं, ये अनपढ़ों की फैमिली हम पर मसलत की हुई है। अब जो यहां मुआशरे में सिस्टम, बहुत कोशिश हो रही है एक आदमी को रोकने के लिए, उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। वो ये जो नौजवान है बैठे हुए, इनके दिलों की धड़कन बन चुका है, इनके दिलों को नहीं बदला जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुलरहमान है और मेरा सवाल जो है वो सलमान अकरम राजा साहब से, कि आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि जब 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स से वोट निकाले जाएंगे तो तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज़ दे सकती है। जो मायूसी की बात है ना कि इलेक्शन से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस मुल्क में हमेशा ये कोशिश की गई कि इलेक्शन को इंजीनियर किया जाए, रोका जाए आवाम की जो असल आवाज़ है उसको आगे आने से। लेकिन आवाम की ताकत और वोट डालने की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, इसका अंदाज़ा शायद मनसूबा साजों को नहीं होता। अगर इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को आप लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर निकल आए तो तमाम मंसूबे धरे रह जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 30 साल से मैं इलेक्शन के मामलों की वकालत भी कर रहा हूँ, हर दफ़ा मैंने ये देखा है, हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है कि एक हद तक तो धांधली हो सकती है लेकिन उससे आगे आवाम की आवाज़ को नहीं रोका जा सकता। इसलिए हमारी अपील है सबसे कि पिछले इलेक्शन में गालिबन 52% टर्न आउट था, इस दफ़ा 80% टर्न आउट होना चाहिए। अगर ये टर्न आउट 60, 65, 70% से ऊपर चला गया तो तमाम मंसूबे मलगामेट हो जाएंगे और आवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। इसकी बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल ये ना समझें कि आपके वोट की कोई वक्त नहीं है। आप जब वोट डालेंगे और बड़ी तादाद में वोट डालेंगे तो उसका असर यकीनन होगा। सर, तरीके इंसाफ के दौर में सुहेल बराज साहब का एक कॉलम है कि ये कंपनी नहीं चलेगी और फिर हमने देखा कि वो कंपनी नहीं चली। तो सर अब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और जो मुल्क की हालात हैं, सियासी हालात हैं और जो माशी हालात हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भी पार्टी बरसरकदार आएगी तो वो कंपनी चल पाएगी या वो भी नहीं चलेगी? ये फैसला भी कंपनी करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व या कनस्तईन। मेरा सवाल जो है ये मैडम से है जो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही है। इन्होंने यहाँ पे कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट को इसलिए हटाया गया क्योंकि 14 पार्टीज़ जो है पाकिस्तान की बड़ी 14 पार्टीज़, उन्हें मिलकर ये एहसास हो गया था कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाने के लिए जो है उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। जो इस मतलब इस तरह अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, उस साइड पर सिर्फ इमरान खान था, इस साइड पर 14 पार्टीज़ थी, आप लोगों ने मिलकर कौन सा ऐसा तीर मारा है जिसकी बिना पर हम कहें कि हम आप लोगों को वोट देंगे और इमरान खान को वोट नहीं देंगे? जी भाई, उम्मीद की जा रही है कि लोग निकलेंगे बाहर। आपको लगता है कि लोग वाकई निकलेंगे? और जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा? मैं ये मजाज और शख्सियत की जो बातें यहाँ हुई कि एक शख्सियत के गिर्द हैं, तो भाई शख्सियत मुल्कों की तकदीर बदलती है। इधर करें 50 साल के बाद यहाँ कोई पॉपुलर लीडर हुआ है? 50 साल पहले शेख मुजीब और भुट्टो 50 साल पहले थे, उसके बाद पॉपुलर लीडर नहीं आया? 50 साल बाद 50 साल बाद पॉपुलर लीडर है? आपने कहा तोड़ दिया पॉपुलर लीडर, तोड़ा किसने? लीडरशिप इज समथिंग एल्स, लीडरशिप इज समथिंग एल्स। 1956 का एहतराम नहीं किया? मौजे तंग जब आप पॉइंट तोड़ेंगे कहां? मौजे तंग कहां? हमारी फॉर्मर कहां? कहां मौजे तंग? ही इज अ पॉपुलर हीरो एंड हीरो वर्शिप। थॉमस कार्लाइल वो हीरो रहेगा, थॉमस कार्लाइल की किताब है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नाज़रीन, आपने सब सहाफियों की गुफ्तगू सुनी। मंसूर अली खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि नून लीग वाले ये समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल इनके पास है, जैसे इन्होंने इस मुल्क के मसाइल हल करने का ठेका ले रखा है। 50 साल से नून लीग ने पूरी कौम को ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ है और आइंदा भी 50 साल में इनकी औलाद में से ही कोई वज़ीर आज़म होगा। इसी पर बात करते हुए सीनियर तजियाकार मज़हर बिलाल ने कहा कि नून लीग में ना कोई नामवर शख्सियत है, ना कोई बड़ा डॉक्टर है, ना कोई बड़ा शायर है, ये अनपढ़ों की फैमिली हम पर क्यों मुसल्लत है?
ये अपनी कारकर्दगी हमें क्या बताएंगे, ये उन 16 माह का तो जिक्र ही नहीं करते जिसमें इन्होंने अवाम की चीखें निकाल दी। इमरान खान के दौर में कोई भी भूखा नहीं सोता था। कोरोना होने के बावजूद भी इमरान खान ने जिस तरह इस मुल्क की मैशियत को संभाला, दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं। ये नून लीग वाले आज बिजली सस्ती करने की बात करते हैं, इन निकम्मों ने तो मुल्क को लूट के खा लिया है। वो इमरान खान ही था जिसने पहली बार डैम बनाने की बात की। इनको तो अपनी जेबें भरने से फुर्सत ही नहीं कि ये मुल्क के बारे में सोचें। नाज़रीन, ये तो राय थी मज़हर बिलाल की, आपकी नून लीग के मतलब क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।